हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल इब्राहिम अब्रा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ लाहौर विद फैमिली। लाहौर क्यों जा रहा हूँ ये आपको पता लगेगा लाहौर जाके, ठीक है। तो अभी जो है हम लाहौर जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। चेक करें इस्माइल साहब गाड़ी के अंदर पानी वगैरह चेक कर रहे हैं। क्यों इस्माइल, क्या कर रहे हैं? बुड्ढा हो गया। करो करो चेक पानी। ओ गाड़ी का पानी चेक करें। मेरे जो हेयर हैं उनको ही मैं यार सोच रही हूँ ड्राई करवा के आऊँ, तो बालों का स्टाइल बनवा के आते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ओके तो भाई अभी जो हम लोग घर पहुँच चुके हैं, अभी कुछ ही देर में घर वाले आते हैं तो बस हम लोग निकलते हैं। तो नहीं जब निकलेंगे फिर आपको बताते हैं। Now let's go to Lahore. यहाँ पे जो हमारा मोटर के ऊपर जो फ्यूल है वो तकरीबन एंडिंग पे था। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, फ्यूल बढ़वा रहे हैं। तो थोड़ा सा आया था फ्यूल, लेकिन हमने कहा चलो उसको जो है ना पहले फिल करवा लें, ताकि जो है बाद में मोटर में इशू नहीं बनता है। तकरीबन हम जो है अभी सुखे की पहुँच रहे हैं। ये भैया डाल साफ कर रहे हैं गाड़ी, ये हमारी गाड़ी और ये रहा फ्यूल। नेक्स्ट स्टॉप मिलते हैं आपको लाहौर जाके। तो फाइनली गाइस हम लोग जो है वो विंटर लाइट पहुंच चुके हैं इस टाइम। उसकी टाइमिंग जो है वो 12 बजे है। अभी जो है वो हम लोग तकरीबन 11:30 बजे फैसलाबाद से लाहौर पहुंच चुके हैं विंटर लैंड के पास। तो अभी तकरीबन 12:30 बजे खुलना है, ठीक है। 12:30 बजे खुलेगा। अभी हम लोग सुबह के आए हुए हैं तकरीबन, अभी सोच रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए जाएं, नाश्ता वगैरह करने। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जाके नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद देन वापस हम लोग आएंगे विंटरलैंड, और मे भी तब तक जो है वो ओपन हो चुका हो, लेकिन रश जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो अब जा रहे हैं एफिल टावर, वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हमने नाश्ते में क्या किया आज लाहौर से। जो है हम लोग एफिल टावर के पास गए, वहाँ भी पता लगा कि कोई नाश्ते की जगह ही नहीं थी है। फिर वहाँ से हमने सर्च किया, यहाँ पूछा वहाँ से पूछ के, तो हमें बताया गया कि यहाँ पे आए बंदूक खान रेस्टोरेंट, इनका नाश्ता बहुत अच्छा है। चलो अब चलते हैं, देखते हैं कैसा नाश्ता है कैसा नहीं। नाश्ता जो है वो अभी आ चुका है, अभी हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आपको बताते हैं यहाँ का नाश्ता कैसा था। बाद में उसके बाद हम चलेंगे वापस विंटरलैंड, मिलते हैं आपको नाश्ते के बाद। तो गाइस अभी जो है वो हमने नाश्ता कर लिया, माशाल्लाह नाश्ता बहुत मज़ा आया। ये बंदूखा रेस्टोरेंट है, तो आप सबको भी प्रेफर करूँगा मैं, अगर आप बहरिया टाउन में आते हैं तो बंदू खान रेस्टोरेंट में ज़रूर आएँ। आप यहाँ का एक बार नाश्ता ट्राई करें, खाना ट्राई करें, बहुत अच्छा खाना है। मैं ये प्रमोशन नहीं है, बट आप इसको कह सकते हैं कि जो चीज़ आपको अच्छी लगी आप उसके बारे में बताएं तो सही। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इनका नाश्ता काफ़ी अच्छा था, यूनिक भी था। तो अब हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी रेडी है और छोटा जो है वो बैठा हुआ है चलाने के लिए। तो अभी विंटरलैंड चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे जाके। गाइस अभी हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, ये छोटे जनाब आज गाड़ी चला रहे हैं बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन के अंदर इस्माइल साहब गाड़ी चला रहे हो, कैसा फील कर रहे हो इधर देख के जरा थोड़ा बताओ। ये बाबा जान बैठे हुए हैं एंड अभी विंटरलैंड को जा रहे हैं,
और वहां पे जाके पता लगेगा कितना रश है कितना नहीं। ये देखो ये सामने विंटरलैंड का बोर्ड भी लगा हुआ है गाइस। अभी हम लोग यहाँ विंटरलैंड पहुंच चुके हैं, तो ये चेक करें विंटरलैंड। ये विंटरलैंड की पार्किंग के अंदर अभी हम लोग मौजूद हैं, तो अभी जो गाड़ी को पहले लॉक कर लें। क्या कर रहे हो यार, चलो अगेन बंद करो इसको खोल के। तो अभी जो है विंटरलैंड की पार्किंग के बाहर मौजूद हैं हम लोग। ये विंटरलैंड का एड्रेस है, बाकी अभी अंदर जाएंगे, बाकी वो जो भी सिचुएशन होगी वो आपको अंदर जाके बताते हैं। विंटरलैंड का क्या इसकी क्या इसका प्रोसीजर है, क्या चीज़ है क्या नहीं, सब कुछ आपको हम इसके अंदर जाके बताएंगे। गाइस अभी हम लोग जो है वो विंटरलैंड के अंदर जा रहे हैं। ये इसकी एंट्रेंस के करीब हम लोग तकरीबन पहुँचने वाले हैं। अंदर रश जो है वो काफ़ी लगा हुआ है, अब बाकी अंदर जाके उसकी सिचुएशन देखते हैं अंदर क्या सिचुएशन है। बाबा भी साथ हैं मेरे, तो बाबा कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आगे? बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, पता चलेगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड जी सर। ब्रो हम फैमिली के साथ हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप फैमिली के बगैर नहीं आ सकते यहाँ। क्यों जी, ऐसी है जी? फैमिली के बगैर हम यहाँ पे आ नहीं सकते। रश आप लोग चेक कर सकते हैं, रश आप लोग कितना ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पे। रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। मे भी आपको मेरा ये आवाज़ ना आए यहाँ पे, क्योंकि शोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। To be continued. Wait for next part.